अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ कुनैन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। हमारे मुनव्वर भाई हैं जो बहुत ही प्यारे फार्मर हैं हमारे, उन्होंने कॉल करके बताया कि दो दिन से हमारा जानवर बैठ नहीं रहा। तो हमने मौके पे जाके जानवर चेक किया तो देखा है कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन इसकी काफ़ी तेज़ थी, इसके गले में स्वेलिंग भी नज़र आ रही थी और जानवर खाना पीना दोनों ही छोड़ खड़ा है और टेम्परेचर भी इसको हुआ पड़ा था, लंग्स का काफ़ी ज़्यादा इशू लग रहा था। तो हमने सस्पेक्टेड किया था इसको न्यूमोनिक हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया यानी कि फेफड़ों का गलघोंटू, और हमने इस बात की तस्दीक की कि इसको ट्रू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया नहीं है यानी कि गलघोंटू इसको नहीं है। उसमें चोकिंग का इशू होता है और जानवर ज़ोर ज़ोर से खराटे दे रहा है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई पोजिशन नहीं थी। तो अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैं आपको तमाम ट्रीटमेंट बताऊंगा जो हमने इस जानवर को मौके पर दिया। चूंकि आपको देख रहे थे कि जानवर में सांस लेने की दिक्कत थी, तो हमने अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन 15 ml इंट्रामस्कुलर दिया। उसके अलावा दो दिन से बैठी नहीं है तो एनाल्जेसिक भी देंगे हम इसको, जिसमें फ्लोनेक्सिन मैग्नामाइन 10 ml इंट्रामस्कुलर देंगे। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो चूँकि लंग्स का काफ़ी ज़्यादा इशू है तो हम जो है सेफ्टीफर सोडियम 1 ग्राम तकरीबन 20 ml देंगे, और इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें अमोक्सिसिलिन, वो भी तकरीबन 25 ml जो है हम इस जानवर को इंट्रामस्कुलर देंगे। और इस केस में हम डबल पावर स्टीराइड जिसे मार्केट में आइसोप्रेट के नाम से जाना जाता है वो भी हम इसको जो है 10 ml इंट्रामस्कुलर देंगे, और साथ में हम तकरीबन एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे जिसमें लासिक्स या फ्रोसामाइड जिसमें ड्यूरेटिक नाम से इंजेक्शन आता है, तो हम वो भी तकरीबन 10 ml इंट्रामस्कुलर इस जानवर को देंगे। और फार्मर को हम तजवीज़ करेंगे कि यही ट्रीटमेंट जो है वो आपने 2 से 3 दिन आपने रिपीट करना है। ये देखें जी, ट्रीटमेंट किया और 3 से 4 घंटे के बाद इसका माशाल्लाह रिजल्ट मिल गया है। जानवर ने खाना पीना शुरू कर दिया है और इसकी एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी तकरीबन नॉर्मल हो गई है, सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो भी तकरीबन अब ठीक हो गई है।